हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। इस वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से बच्चे कंपार्टमेंट देते हैं, कौन से बच्चे इम्प्रूवमेंट देते हैं क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ में, इनका सिलेबस क्या होता है, हमें कितने चांसेस मिलते हैं, प्लस इनके पेपर का लेबल कैसा होता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो इन सारे पॉइंट्स में मैं बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्लास टेंथ की बात करूंगा। क्लास टेंथ में हमारा कंपार्टमेंट नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, उनके लिए सीबीएसई क्या करती है, EIOP कैटेगरी में उन्हें डाल देती है। इसका मतलब क्या होता है, एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। दैट मीन्स कि अगर आप 2020 के क्लास टेंथ के एग्जाम दिया है आपने, अगर आप 2020 में क्लास टेंथ का एग्जाम दिया है और किसी दो सब्जेक्ट में फेल हो, मैक्सिमम किसी दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो, तो उसको आपको रीअपियर होने के लिए एक चांस देती है सीबीएसई, जो कि जुलाई में, सेम ईयर जुलाई में मिलता है हमें। अब इसके दौरान अगर आप का रिजल्ट आ गया है और आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि रिजल्ट आने के बाद जो जुलाई में हमारा EIOP वाला एग्जाम होगा, अगर आप उसमें पास हो जाते हो तब तो एडमिशन कंटिन्यू चलेगा। बट अगर आप एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाते हो, तब वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी सीबीएसई। तो ये क्राइटेरिया होता है क्लास टेंथ का मेनली। अब इनका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस हमारा वही सेम होता है। फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स में कंपार्टमेंट लगा है तो जो पूरे साल हमारा मैथ्स का सिलेबस है वही पूरा सिलेबस होता है, वही 100 मार्क्स का पेपर आना है, वही हमारा सेम क्राइटेरिया। अब कितने मार्क्स चाहिए पास होने में कंपार्टमेंट में, तो जितने मार्क्स का हमारा पेपर आता है उसका 33% आप निकाल लो, उतने मार्क्स हमें चाहिए कंपार्टमेंट में पास होने के लिए। पेपर का लेबल कैसा होता है, पेपर का लेबल हमारा नॉर्मल एग्जाम से हाई होता है, क्योंकि सीबीएसई ने आपको एक दो महीने का चांस रिजल्ट आने के बाद भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मई में रिजल्ट आता है तो एक महीने का चांस, एक महीने का जो अपॉर्चुनिटी हमें पूरा मिलता है कि हम पूरा प्रिपेयर करके तब जुलाई में EIOP का एग्जाम दें, तो थोड़ा सा पेपर का लेबल हमारा हाई होता है क्लास टेंथ के लिए। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्लास टेंथ के लिए। पर्टिकुलरली क्लास टेंथ में मैंने अब तक बताया कि आप अगर मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में फेल हो तो आप EIOP मतलब एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में आते हो। दैट मीन्स आपको जुलाई में एक चांस मिलता है अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। अगर आप वो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेते हो, दैट मीन्स अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हो, तब तो आपका 11th का जो एडमिशन आपने लिया वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। नाउ क्लास 12th की बात करूंगा। अब क्लास 12th वालों के लिए क्या होता है, क्लास 12th में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ज्यादातर स्कूल में, नहीं तो कहीं कहीं 6 सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अगर जिनका 6 सब्जेक्ट है फिर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तब तो उन्हें कंपार्टमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पास आउट हो जाएंगे। लेकिन जिस स्कूल में 5 सब्जेक्ट्स हैं तो वहां पर अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, दो सब्जेक्ट में नहीं, दो सब्जेक्ट वाले फेल माने जाते हैं, अगर आप केवल मैथ में फेल हो या केवल साइंस में फेल हो या केवल आप फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी पार्ट में फेल हो, तब आपको कंपार्टमेंट का एक चांस मिलता है। अब चांस कितने मिलते हैं हमें, क्लास 12th के लिए टोटल 3 चांसेस मिलते हैं। पहला चांस हमारा सेम ईयर जुलाई में, फिर नेक्स्ट चांस हमारा मार्च, फरवरी और मार्च में मिलता है, फिर अगला चांस हमारा नेक्स्ट ईयर जुलाई में। दैट मीन्स अगर आप क्लास 12th में इस साल हो, 2020 में हो, तो 2020 के जुलाई में आपको फर्स्ट चांस, फिर 2021 के फरवरी और मार्च में दूसरा चांस, फिर 2021 के जुलाई में आपको तीसरा चांस मिलता है किसी एक सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए। और अगर आप इन तीनों कंपार्टमेंट एग्जाम में से किसी एक कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आप पास हो जाते हो सब्जेक्ट में, तब तो आप क्लास 12th पास हो जाओगे, नहीं तो फेल माना जाता है और आपको फिर से पूरा साल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब इनका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस वही सेम होता है जो हमारा पूरे साल रहा है, जो हमारा मेन एग्जाम का सिलेबस था वही हमारा कंपार्टमेंट का सिलेबस होता है। अब कंपार्टमेंट का पेपर का लेबल कैसा होता है, कंपार्टमेंट का पेपर का लेबल
थोड़ा सा हाई होता है हमारे नॉर्मल एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। अब मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने तीनों कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया, मतलब तीनों में से आप कंपार्ट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हो, तो आपके लिए एक चांस है NIOS बोर्ड का। अब NIOS बोर्ड क्या है? NIOS बोर्ड एक ओपन डिस्टेंस स्कूल है, दैट मीन्स कि आप ओपन स्कूलिंग कर सकते हो। आप अगर फेल हो तो आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हो NIOS में और 45 दिन के अंदर अपने क्लास 12 का रिजल्ट ले सकते हो। आप NIOS में किसी चार सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो और बाकी जो दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट बचा है वो हमारा CBSE से हमारा ले लिया जाएगा, ठीक है। मतलब CBSE के मार्क्स हमारे NIOS में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। नाउ ये तो हो गया NIOS बोर्ड। अब एक मेजर डाउट आता है हमारे मन में कि क्या सर अगर हम इंटरनल में, दैट मीन्स प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो क्या थ्योरी में मुझे अपीयर होना पड़ेगा या सिर्फ प्रैक्टिकल से ही काम चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो आपको दोनों देना पड़ेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। बट अगर आप केवल थ्योरी में फेल हो तो कंपार्टमेंट आपको सिर्फ थ्योरी में देना पड़ेगा और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स रिटेन हो जाएंगे, मतलब लास्ट ईयर जो था वही इस ईयर आ जाएगा। तो दिस इज़ द ऑल मेजर डाउट्स रिगार्डिंग कंपार्टमेंट। अब इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ। इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट दैट मीन्स कि वो बच्चे जो फेल नहीं हुए हैं और अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हैं, दोबारा एग्जाम दे के अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इम्प्रूवमेंट देते हो या नहीं देते हो। टोटल आप दो चांसेस मिलते हैं इंप्रूवमेंट के, दैट मीन्स अगर आप 2020 में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिए हो फिर 2021 में भी दे सकते हो एंड 2022 में भी दे सकते हो। तो ये सब कुछ था कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।